भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 दिसंबर को जनपद आगमन के अवसर पर यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन हेतु मार्ग व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है, जिसके संबंध में SP ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने बताया कि रैली व कार्यक्रम स्थल में आने वाले वाहनों के लिए अलग अलग स्टैंड बनाए गए हैं। रोडवेज की बसें चंपा देवी पार्क में खड़ी होगी। इसके अलावा भारी वाहनों के लिए यातायात डायवर्जन किया गया है। रैली में आने वाले लोगों के लिए सभी रूटों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सभी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP ट्रैफिक इंदु प्रभा सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री कार्यक्रम को लेकर रूट डायवर्जन किया गया है, क्या कहा? दिनांक 7/12/21 को माननीय प्रधानमंत्री जी के जनसभा कार्यक्रम के दृष्टिगत कई जगह से रूट डायवर्ट किए गए हैं। जो भारी वाहन है वो शहर में प्रवेश नहीं करने दिए जाएंगे और जो रैली के वाहन हैं सिर्फ वही जनपद में प्रवेश करेंगे। जो लखनऊ की तरफ से वाहन आ रहे हैं रैली के लिए वो कालेसर पॉइंट से डाइवर्ट होकर जंगल कौड़िया होते हुए मनीराम क्रॉसिंग होते हुए कार्यक्रम स्थल तक जाएंगे। इसी प्रकार देवरिया कुशीनगर से आने वाले वाहन मोदीपुर खजांची चौराहा मेडिकल कॉलेज रोड होते हुए झुंगिया तिराहा और उसके बाद मानवेरा पार्किंग में जाएंगे। इसी प्रकार जो छोटे वाहन हैं यदि मध्यपुर पर ज़्यादा हवा पड़ता है तो उनको असरों से डाइवर्ट करते हुए स्पोर्ट्स कॉलेज से लेके उनको उनके पार्किंग स्थल जो कि HOL के अंदर है वहाँ तक लाया जाएगा। जो प्राइवेट बसें हैं उनको शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, उनको कोनी जगदीशपुर रामनगर करजहा बागा गाढ़ा इन जगहों पर उनको रोका जाएगा। वहाँ पर पर्याप्त बैरियर लगाए गए हैं इनको रोकने के लिए। इसके अतिरिक्त जो प्राइवेट बसें हैं इनको जो महाराजगंज की तरफ से आ रही हैं उनको राप्तनगर डिपो है वहाँ पर रोका जाएगा। जो ट्रकें हैं उनको बाहर से ही उनको जो हाईवे है उन पर डाइवर्ट किया जाएगा, कोई भी ट्रक शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। अगर मोदीपुर पर ज़्यादा दबाव पड़ता है तो हम इधर छात्र संघ से होते हुए भी वाहनों को अंदर शहर में ले जाएंगे। इस तरह से पूरा डाइवर्जन रूट प्रभावी रहेगा। ये 7 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगा। सभी जनपद गोरखपुर वासियों से निवेदन है कि वो डाइवर्जन प्लान के मुताबिक अपने मूवमेंट को प्लान करें।